नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में मैं आपको वैक्स के बारे में सब कुछ बताऊंगा कि इसको कैसे लगाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर आपने कभी सोचा है कि वैक्स एक्चुअली क्या काम आती है, कैसे यूज़ करते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखो। ये थोड़ी लंबी वीडियो, बट इसके अंदर मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो बहुत लोगों को लगता है कि वैक्स एक परमानेंट सॉल्यूशन है स्क्रैचेस उतारने का या फिर पेंट करेक्शन का, बट वो सही नहीं है। एक्चुअली वैक्स एक टेम्पररी लेयर होती है जो कि हम क्लियर कोट के ऊपर लगाते हैं। तो इंडिया के अंदर मोस्टली लोग कार शैम्पू से गाड़ी नहीं धोते। लोगों को मैंने सर्फ से धोते हुए देखा गाड़ी, विम लिक्विड से और डव से धोते हुए देखा है। तो आई मीन टू से कि लोग यहाँ पर कार शैम्पू यूज नहीं करते। और अगर आप वैक्स लगा रहे हो गाड़ी पर, उसके बाद अगली वॉशिंग पे आप किसी विम लिक्विड, सर्फ या फिर जिससे हम बाल धोते हैं डव, उस शैम्पू को यूज़ कर रहे हो गाड़ी धोने के लिए, तो जो वैक्स आपने अभी लगाई थी वो उसके साथ उतर गई है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में वैक्स को कैसे लगाते हैं, पेंट को कैसे प्रेप करते हैं, और उसके बाद कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए ताकि आपकी वैक्स आसानी से ना उतरे, और कब कब वैक्स लगाएं गाड़ी पर ताकि आपके पास एक प्रोटेक्शन हो लेयर की क्लियर कोट के ऊपर। तो वैक्स को समझने के लिए मैं आपको ये एक सिंपल सा डायग्राम समझाता हूँ। हमारे पेंट में सबसे पहली लेयर होती है प्राइमर की, उसके बाद होती है बेस कोट, मतलब जो कलर होता है गाड़ी का, और कलर के बाद होता है क्लियर कोट, जिससे कि जो शाइनिंग या ग्लॉस पेंट पर आती है। और ये ऐसे ऊपर नीचे हमारे स्क्रैचेस हो गए जो छोटे मोटे गाड़ी पर हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ नहीं हैं। तो यहाँ पर अगर हम वैक्स डालेंगे तो ये सारे स्क्रैचेस, अगर यहाँ पर सनरेज ऐसे गिरती हैं इस पर पेंट पर, तो ये रिफ्लेक्शन में ऐसा लगेगा कि यहाँ पर स्क्रैचेस नहीं है। जो मेजर स्क्रैचेस होंगे वो रह जाएंगे, तो छोटे छोटे जितने भी स्क्रैचेस हैं वो इससे ढक जाएंगे बट ख़त्म नहीं होंगे। जैसे कि ये वैक्स की लेयर उतरेगी, जैसे अगर किसी चीज़ से आप धो दोगे, जैसे कोई भी वॉशिंग पाउडर या किसी भी चीज़ से अदर देन कार शैम्पू जिसके ऊपर लिखा होगा कि वो वैक्स नहीं उतारता, तो उसके बाद ये वैक्स की लेयर उतर जाएगी, उसके बाद वापस से ये सारे स्क्रैचेस दिखने लग जाएंगे। क्योंकि जब सनरेज गाड़ी पर होती हैं, अगर यहाँ पर स्क्रैचेस होंगे तो वो सारे स्क्रैचेस एज इट इज़ रिफ्लेक्ट होते हैं। अगर उसके ऊपर ये लेयर होगी वैक्स की तो ये सारे ढक जाएंगे, और जो मेजॉरिटी, जैसे ये ज़्यादा डीप स्क्रैच होगा तो वो दिखेगा, और माइनॉरिटी के जो छोटे छोटे स्क्रैचेस हैं वो इससे ढक जाएंगे। तो वैक्स को पेंट रिस्टोर करने के लिए या फिर स्क्रैचेस हटाने के लिए यूज़ नहीं करते। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको कि एक्चुअली पेंट पर वैक्स का क्या काम होता है। आज की वीडियो में हम इन दोनों वैक्सेस को कंपेयर करेंगे, और इसको मैं इसके बोनट या हुड पर हाफ हाफ साइड पर लगाऊंगा, लेफ्ट साइड पर 3M का और राइट साइड पर मैग्वायर्स का। और ये दोनों ही वैक्स लिक्विड फॉर्म में हैं, तो आज हम इन दोनों वैक्सेस का कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद हमको सबसे पहले जो भी पेंट सरफेस है जहाँ पर हम वैक्स लगाएंगे उसको प्रॉपरली साफ करना है। कहने का मतलब है कि उसको डिग्रीज करना है कम्प्लीटली। जब भी वैक्स लगाते हैं या फिर अगर आप सिरेमिक कोट भी करते हो तो पेंट को बिल्कुल प्रॉपरली साफ होना चाहिए ताकि वैक्स एक्चुअली पेंट पर स्टिक हो सके, उस पर रुक सके। वैसे आपको कभी भी अंडर नो सर्कमस्टेंसेस पेंट पर डिश वॉश या फिर मतलब ये विम लिक्विड नहीं लगाना चाहिए। बट अगर आपको वैक्स लगानी है और आपको पता नहीं कि आखिरी बार किसी ने वैक्स लगाई थी, कब लगाई थी, नहीं ध्यान, इस टाइम हमको पेंट को साफ करने के लिए डिश सोप या फिर मतलब विम लिक्विड या कोई भी लिक्विड हो जिससे हम बर्तन साफ करते हैं, उससे हमको इस पेंट को पहले साफ करना है। और रिमेंबर, इसमें भी आप सर्फ यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो गाड़ी पर स्क्रैच मार सकते हैं। तो हर एक माइक्रोफाइबर पर ऐसा टैग लगा हुआ होगा, जब भी आप नया माइक्रोफाइबर यूज़ करो तो इस टैग को हटाओ ताकि यहाँ पर स्क्रैचेज ना आए। तो गाड़ी को धोने से पहले या वैक्स लगाने से पहले अगर आप ऐसे कोई ब्रेसलेट पहनते हो या वॉच पहनते हो तो अगर वो इजीली उतर जाती है तो उतार दो, अगर वो नहीं उतार सकते तो उसको ऐसे थोड़ा सा पीछे कर लो ताकि वो पेंट पर लगे ना साफ करते टाइम। तो गाड़ी पर जब भी कपड़ा आप लगाओ तो उसको कभी भी सर्कुलर मोशन में नहीं करना, सिर्फ ऊपर और नीचे। इसके ऊपर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा कि एक्चुअली पेंट को साफ कैसे करते हैं, क्योंकि 90% जो स्क्रैचेस आपकी गाड़ी पर होते हैं वो जब आते हैं जब आप गाड़ी धोते हो। तो ऐसे विम लिक्विड से पेंट को साफ करने के बाद हमको इसको ड्राई करना है, और वो एक साफ माइक्रोफाइबर टॉवल से हम करेंगे। इसको ऐसे हाफ में फोल्ड करो और सिर्फ एक सिंगल मोशन में हम इस सारे बोनट को, या फिर अगर आप सारी गाड़ी कर रहे हो तो ऐसे हम सारी गाड़ी को साफ करेंगे। इसका कारण ये है कि यहाँ पर कोई भी स्क्रैचेस
इससे नहीं आएंगे। अगर पेंट साफ है और हमने एक्चुअली ढंग से साफ किया था तो टेक्निकली अगर हम एक सिंगल वाइप से साफ कर रहे हैं तो स्क्रैचेस नहीं आएंगे। हमेशा लुब्रिकेंट मतलब अगर पानी है पेंट पर तो ही साफ कर सकते हैं। तो लोग जो सूखा कपड़ा मारते हैं गाड़ी को साफ करने के लिए, वो आप सिर्फ अपने पेंट पर एक सैंड पेपर यूज कर रहे हो और कुछ नहीं। इसके बारे में आगे मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं ये सारी चीजें बताने लग गया तो ये 2-3 घंटे से भी ज्यादा की वीडियो हो जाएगी। साफ करने के बाद हम आधा घंटा वेट करेंगे ताकि ये सारा प्रॉपरली सूख जाए, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर गीला होगा तो वैक्स ढंग से अप्लाई नहीं होती। उसके बाद मैं बीच में यहाँ पर सेंटर में एक मास्किंग टेप लगाऊंगा ताकि हम बाद में कंपेयर कर सके रिजल्ट्स को। लेफ्ट साइड पर मैं 3M की वैक्स लगाऊंगा, राइट साइड पर मैग्वायर्स की वैक्स लगाऊंगा। और आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ कि जब भी वैक्स लगाओ कोई भी स्पंज का यूज नहीं करना। तो अगर आप एक्चुअली गाड़ी को मेंटेन करने के लिए सीरियस हो तो आप ऐसे माइक्रोफाइबर के एप्लीकेटर ले लो, मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। मैं दोनों साइड पर डिफरेंट एप्लीकेटर यूज करूंगा और वैक्स लगाने का बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है, हमको पहले इस एप्लीकेटर को प्राइम करना पड़ता है। तो ऐसे वैक्स को लगाकर उसके बाद हम अपने फिंगर से इसको सारे के अंदर ऐसे लगाएंगे। उसके बाद सिर्फ 3 डॉट ऐसे हमको इस पर डालनी है और उसके बाद हम पेंट पर ऐसे अप एंड डाउन मोशन में इसको लगाएंगे पूरे बोनट पर। तो हर वैक्स के पीछे लिखा होता है कि इसका ड्राई टाइम क्या है, मतलब उसके बाद हम इसको साफ कर सकते हैं। अगर बोतल पे कुछ नहीं लिखा या फिर आपको नहीं समझ आ रहा तो वैक्स का ड्राई टाइम देखना बहुत आसान है। जैसे ही आपका पेंट हेज या फिर धुंधला हो जाए ऐसे, उसका मतलब है कि हम इस वैक्स को साफ कर सकते हैं। उसके बाद हम 2 माइक्रोफाइबर टॉवल लेंगे, क्योंकि एक से हम पहले इसको साफ करेंगे और दूसरे से दोबारा साफ करेंगे, क्योंकि जो वैक्स है वो एक ही अगर हम कपड़ा यूज करेंगे तो उतारने में और अप्लाई करने में वो नहीं कामयाब होगा, इसलिए हमको 2 कपड़े यहाँ यूज करने पड़ेंगे। तो ऐसे बफ ऑफ करते टाइम आई डोंट नो कैमरे पे कैसा दिख रहा होगा, क्योंकि ये वाइट गाड़ी है, इतना आराम से शायद नोटिसेबल ना हो, बट हम पहले कपड़े से इसकी मेजॉरिटी की जो वैक्स है वो उतारेंगे, उसके बाद जो दूसरा कपड़ा है उससे हम इसको फाइनल वाइप डाउन करेंगे। तो अब ये बीच वाली टेप उतार कर देखते हैं कि एक्चुअली में क्या डिफरेंस है दोनों में, क्योंकि इन दोनों का प्राइस लगभग सेम है, एक 150 की है, एक 170 की है छोटी बोतल। तो कई देर चेक करने के बाद, कई एंगल से देखने के बाद इस दोनों में शाइन मतलब जो हम ग्लॉस कहते हैं वो लगभग सेम है दोनों में, बट एक्चुअली वैक्स का काम होता है पेंट को प्रोटेक्ट करना। तो अगर कुछ पेंट पर गिरता है तो ये टेम्पररी लेयर वैक्स की वो संभालता है। सो उसके लिए हम इस पर पानी डाल के देखेंगे। जैसे कि हमने लगभग देखा होगा कि हम पानी डालते हैं और वो एकदम से फिसल जाता है, तो उसका मतलब है कि इसके नीचे एक लेयर की प्रोटेक्शन है। तो चेक करते हैं सबसे पहले 3M वाली साइड पर। तो एज यू कैन सी पानी डालते ही ये सारा पानी एकदम से नीचे की साइड पर गिर रहा है एक ही स्ट्रीम में, मतलब कहने का है कि पेंट पर पानी रुक नहीं रहा। इवन कि जब मैं पानी की स्ट्रीम यहाँ से हटाता हूँ तो थोड़ी देर में सारा पानी अपने आप नीचे गिर जाता है, विच इज टू बी एक्सपेक्टेड क्योंकि 3M की वैक्स है। तो 3M एक बहुत अच्छी कंपनी है कार प्रोडक्ट्स के लिए। तो चलो अब दूसरी साइड पर जाके देखते हैं मैग्वायर्स की वैक्स इससे कैसे कंपेयर होती है, और ये भी पानी को पेंट पर रुकने नहीं दे रही। जैसे ही मैं डाल रहा हूँ ये सारा पानी एकदम से नीचे गिर जाता है।
इफ़ यू नोटिस समथिंग, जब मैं पानी की स्ट्रीम मतलब पाइप यहाँ से हटा रहा हूँ, इसमें जितनी जल्दी पानी यहाँ से एकदम से नीचे गिर जाता है 3M में, उतनी जल्दी नहीं गिरता। कहने का मतलब है कि दोनों वैक्स ही जब जब पानी उसके ऊपर डल रहा है वो नीचे गिरा रहा है पेंट पर सारा। बट रियल कंपैरिजन है कि जब हम पानी वहाँ से, पानी का सोर्स या स्ट्रीम जो भी पाइप है या कुछ भी, जैसे भी आप पानी वहाँ डाल रहे हो, अगर वो हम हटाते हैं तो मैग्वायर्स की साइड पर सबसे कम पानी या फिर ड्रॉपलेट्स बचती हैं एज कम्पेयर टू 3M, क्योंकि 3M की साइड पर 2-3 सेकेंड लगते हैं सारा पानी एकदम से ख़त्म होने में। बट मैग्वायर्स की साइड में विद इन मिली सेकेंड्स ये सारा पानी ख़त्म हो जाता है। मतलब जो एक्चुअली पानी बचता है बोनट पर या फिर पेंट पर मैग्वायर्स की साइड पर, वो बहुत ही ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू अदर साइड। तो इससे क्या होगा, जब जब हम गाड़ी साफ़ करेंगे और उसके बाद पानी मार के जो शैम्पू गाड़ी का वो उतारेंगे, उसके बाद ड्राई टाइम बहुत आसान हो जाएगा। तो ये मेरा ओपिनियन है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं 100% सही हूँ या फिर मेरे ही राय लो आप। बट आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, आपने वीडियो में देखा है कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे कंपेयर करते हैं। एंड आई होप इस वीडियो में समझ भी आ गया होगा कि एक्चुअली वैक्स क्या काम करती है। और जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि कार शैम्पू से ही गाड़ी धोनी चाहिए, और मैं कार शैम्पू 3M का यूज़ करता आया हूँ बहुत टाइम से, क्योंकि ये वैक्स नहीं उतारता और मेरे हिसाब से ये साफ भी ढंग से करता है। और जहाँ तक रही बात कि इसको कितनी बार लगाना चाहिए, तो मैं इसको हर तीसरी वॉश में लगाता हूँ। अगर हफ्ते में आप 2 बार गाड़ी धोते हो तो हर दूसरे हफ्ते गाड़ी पर मैं लगाता हूँ इसको। बट अगर आपको इतना नहीं करना तो 1 महीने में 1 बार भी अगर आप लगाओगे ढंग से तो ये वैक्स फिर भी कामयाब रहेगी। तो इंडिया में पता नहीं लोग क्या क्या नाम देते हैं वैक्स से, पता नहीं क्या हो जाएगा, ये कोई जादू है या कुछ है। वैक्स एक जो सबसे पहले इन्वेंट हुआ था वो था कार्न्यूबा वैक्स, जो कि एक प्लांट से आता था। सो ये एक नेचुरल फॉर्म ऑफ वैक्स होती है कार्न्यूबा वैक्स, बट ये हमने जो आज यूज़ करा है ये उसकी लिक्विड फॉर्म है। तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ यार, आप इन दोनों में से कौन से के फेवर में हो, या फिर कौन सा आप यूज़ करते हो, या कौन सा आपको अच्छा लगा। मैं पहले 3M यूज़ करता था, मैग्वायर्स का वैक्स मैंने आज पहली बार यूज़ करी है, तो मैं आगे ये वाली वैक्स यूज़ करके देखूंगा कई कार पर। और अगर मुझे कुछ इसमें बुरा लगा या फिर मुझे कोई और चीज़ें पे फैक्ट समझ में आए या दिखे मेरे को, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये वीडियो थोड़ी देर में इसलिए आई है क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे 2-3 दिन लग गए थे। बट आई थिंक आप जो देख रहे हो, जिनको एक्चुअली गाड़ी के बारे में कुछ सीखना है, वो इस वीडियो से कुछ सीख पा रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप ये वीडियो से आप कुछ सीख पाए। अगर वीडियो अच्छी लगी है, ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। आप लोग ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का, और मिलते हैं अगली वीडियो में।